मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 3 साल के कार्यकाल के दौरान उत्तराखंड में 2 नए मेडिकल कॉलेज शुरू हो चुके हैं। 2022 में अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज शुरू हो चुका है और अब इसी सत्र से हरिद्वार मेडिकल कॉलेज भी शुरू होने जा रहा है। दोनों कॉलेजों की कुल 200 नई MBBS की सीटें जुड़ी हैं, जिससे उत्तराखंड में MBBS मेडिकल सीटों की संख्या बढ़कर 625 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत होने से प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बेहतरी होने की उम्मीद है। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए और मेडिकल की सीटों के बढ़ने से युवा चिकित्सक प्रदेश को मिलेंगे, जिससे प्रदेश में जो चिकित्सकों की कमी देखी जाती है उनमें भी सुधार होगा। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। एक टारगेट लिया गया कि हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाना चाहते हैं और हमारे प्रदेश के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि हम जब सीटें बढ़ा रहे हैं तो सीटें बढ़ाने का मतलब आपको डॉक्टर्स उपलब्ध होते हैं। आज प्रदेश की जो समस्या है, जो हेल्थ सेक्टर में जो हमें सब दिक्कतें आ रही हैं, वो यही आ रही है कि हमारे पास दक्ष चिकित्सक नहीं है, हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है प्रॉपर। तो उन डॉक्टर्स की संख्या, अगर हमारे ज्यादा डॉक्टर निकलेंगे तो ज्यादा डॉक्टर हमको उपलब्ध हो पाएंगे, तो आने वाले समय में जो दिक्कतें हमारे सामने हेल्थ सेक्टर में है उसका भी समाधान हो पाएगा। हमको पहाड़ों पर नौजवान बच्चे हमारे डॉक्टर बनकर जाएंगे और वहाँ के लोगों की सेवा कर पाएंगे, तो एक बड़े लंबे समय से जिसका इंतजार था आज धीरे धीरे हम उसकी पूर्ति करते जा रहे हैं, उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये भी एक बड़ा काम हो रहा है, पूरे देश के अंदर हो रहा है। एम्स की संख्या बढ़ रही है, मेडिकल सीटें जगह जगह बढ़ रही हैं, पूरे देश में एक अभियान चल रहा है कि हम पूरे हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाए, तो हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़े स्तर पर काम हो रहा है।